नमस्कार मित्रों, मैं हूं समीर कुमार। समीर सर की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई चैप्टर का नाम नहीं बता के मैं कहना चाहूंगा, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आम तौर पर स्टूडेंट्स देखकर इस क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं। ये क्वेश्चन काफी अजीब सा लग रहा है या तो बनाने में काफी समय लगेगा, इसे छोड़ करके निकलते चलो। तो उसे कुछ ट्रिक्स है, या तो बहुत लंबा बनाना पड़ेगा या फिर कुछ ट्रिक्स पर बनाना पड़ेगा, तो आप उसे ट्रिक्स पर बनाओ और काफी आसानी होगी बनाने में। दोस्तों मैं पहले ये कहना चाहूंगा, जब आप एग्जाम के लिए घर से निकलते हो तो आपको ये तय करना चाहिए कि आपने इंग्लिश पे कितना समय देना है और मैथ पे कितना समय देना है, रीडिंग पे कितना समय देना है। उससे आपकी आधी सफलता वहीं हो जाती है, क्योंकि अगर 25-25 मिनट का आपको तय कर लेना है तो उससे ज्यादा समय देना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको आपका समय का जो बंधन है वही आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा, वही आपको आगे ले जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न जैसे कि रूट अंडर प्लस 12 फिर रूट अंडर प्लस, इस प्रश्न करते देख रहे हैं आप, प्रश्न ऐसा है। फिर प्रश्न सेम वही उसी को मैंने दोहराया यहाँ पर जो कि माइनस में है। तो अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो आप क्या करोगे? अगर आप जान रहे हो या तो बहुत बढ़िया तरीके से बनाओगे, या फिर नहीं तो आप इसे छोड़ करके चले आओगे। इसे छोड़ना नहीं है, इसे क्या करना है, दो इकाई अंकों में तोड़ देना है, दो इकाई अंकों में गुणक में तोड़ना है। क्या हुआ? 4 × 3, 4 × 3 होता है 12, 4 × 3, 4 × 3 = 12। दोस्तों मैं कहता हूँ प्लस होता है बड़ा, माइनस होता है छोटा। भाई ऐसा क्यों होता? कहता है वो प्लस हो रहा है, नहीं प्लस हो रहा है वो, अगर प्लस हो गया तो आगे बढ़ गया, जो माइनस हो गया तो वो नेगेटिव, वो नीचे चला गया। तो प्लस यानी 4 जो है वो प्लस वाले बड़ा वाला का आंसर हो गया 4, और ये माइनस जो है वो 3 का आंसर हो गया आपको, ये 3 हो गया, माइनस जो है माइनस वाला का आंसर हो गया 3। अच्छा आप ये भी कर सकते हो मित्र कि सर आपने कहा कि ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि इस प्रकार से 6 × 2 में भी तो टूटता है 12, 4 × 3 में क्यों नहीं, 6 × 2 में भी। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये दोनों गुणनफल का जो है एचसीएफ 1 होना चाहिए, दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। एचसीएफ क्या होता है, एसएफटी चैप्टर में उसे बात करूंगा, फिलहाल मैं समझाने का छोटा सा प्रयास करता हूँ। जैसे कि 6 को मैं एलसीएम लेकर तोड़ता हूँ तो 2 × 3 आता है, और 2 को तोड़ता हूँ गुना 1, चलिए 2 को तोड़ता हूँ तो 2 × 1 आता है, तो इसमें एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है। लेकिन यदि मैं 4 और 3 को तोड़ता हूँ तो ये 4 × 1 और 3 × 1 दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देख रहे हैं आप, 1, यानी कि एचसीएफ 1 होना चाहिए, उस तरह से टूटना चाहिए। एक आंसर 4, एक आंसर 3। और आज सवाल ये नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, सभी रूट अंडर 5 5 5 5 सभी रूट अंडर समाया हुए हैं। ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, छोड़ के भागना नहीं है, बनाना है, समस्या का नाम ऊंचा करना है। ये रहा 5 का, पहले 5 उतार दो जो इसमें लिखा हुआ है, और हर रूट को 2 मान लो, 2 × 2 × 2 × 2 सब इंटू में, तो एक डैश के ऊपर पावर दे दो मित्रों 5 के, वही कितना हो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 5 पर पावर नीचे आने की 16 है और ऊपर 1 कम करके लिख देना है 15, आंसर हो गया 5 का पावर 15/16। इसी प्रकार से ये देखिए मैं तो 3 है तो मैं 3 का 3 लिखता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2, एक डैश दिया पावर ग्रुप में, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, नीचे 8 और ऊपर 7, हो गया आंसर कंप्लीट, चंद सेकंडों में, आपको समय भी नहीं लगा। अब सेम प्रश्न देखिए 3 नंबर 4 नंबर की तरह 5 नंबर 6 नंबर भी है, इसमें क्या है, इसमें आपको यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं है और इसमें इन्फिनिटी लगा हुआ है। ऐसे प्रश्न का उत्तर में कुछ भी नहीं करना है, अंदर जो लिखा हुआ है 5, इसका आंसर हो गया 5 और इसका आंसर हो गया 3। देखिए कितना आसान था, मजेदार था, अगर एग्जाम में आता तो आप छोड़ के चले आते, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। देखिए बहुत आसान ये ट्रिक्स, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबा दें, शेयर करें, कमेंट्स दें और मेरा भी मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।